नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों, आज हम एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपने वीडियोस काफ़ी सारी देखी होगी जिसके अंदर की मोनो वर्सेस पॉली सोलर पैनल के बारे में बताया गया है, उनके डिफरेंसेस, उनका जो अंतर होता है और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, बाकी सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। बट वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल मिलेगी आपको जितनी वीडियो होगी। जो आज हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लाइव जो टेस्ट है वो करने वाले हैं और हम आपको लाइव दिखाएंगे, करंट डिफरेंस दिखाएंगे और उसमें जो एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों वो भी बताएंगे। साथ के साथ हम इसको आप पहचान कैसे कर सकते हो मोनोक्रिस्टलाइन की और पॉलीक्रिस्टलाइन की, वो भी बताएंगे। और साथ के साथ जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो कैसे बनता है और पॉलीक्रिस्टलाइन कैसे बनता है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर सारा हम कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारे पास है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल और आप दूसरी साइड में देख सकते हो हमारे पास है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी पहचान करने की। पहचान करने के बाद दोस्तों, जो भी होती है इसके अंदर की है, जो इसका जो सेल कटा, सेल की कटिंग होती है वो डायमंड शेप में होती है, जैसे कि आप देख सकते हो क्लियरली आपकी डायमंड शेप में सेल कटे हुए हैं और बीच में आपका एक स्टार बनेगा। इसमें हर एक सेल के बीच में एक स्टार बना हुआ होता है। बट अगर जो हम उस पर नज़र डालें, हमारे पॉली के ऊपर नज़र डालें, तो पॉली के अंदर आप देख सकते हो ऐसी कोई शेप कटिंग नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल चकोर साइज़ आप बोल सकते हो कि चकोर शेप में कटा हुआ है, बिल्कुल स्क्वायर आपका बना हुआ है। नहीं तो इसमें कोई आपका डायमंड शेप में कटिंग है और ना ही आपका कोई स्टार है इसके अंदर। आपको डायरेक्ट सीधे के सीधे सेल मिलेंगे। तो दोस्तों, और दूसरा जो डिफरेंस है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप देख सकते हो इसमें मोस्टली जितने भी पैनल बनते हैं पॉली के अंदर, मोस्टली हमारे ब्लू कलर के अंदर आते हैं। ब्लैक कलर में बहुत ही रेयर है कि ब्लैक कलर में आपको पॉली कहीं पर मिलेगा। और अगर जो हम मोनोक्रिस्टलाइन की बात करें, तो मोनोक्रिस्टलाइन में आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि आपको ब्लैक कलर के अंदर है अवेलेबल है। और मोस्टली जो भी 99% होती है पैनल, उन ब्लैक कलर में ही होती है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई ब्लू कलर में आपको मोनोक्रिस्टलाइन मिले। तो ये तो दोस्तों हमने जो बाहर से दिखाई देने वाली बातें थी उनके बारे में हमने इस पर जाना। अब हम जानेंगे कि जो हमारे सेल्स होते हैं बनते कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है सेल्स के बीच में। तो दोस्तों, जो मोनोक्रिस्टलाइन के सेल्स होते हैं ये एक सिंगल वेफर से बनाए जाते हैं। सिंगल वेफर से हम बोल सकते हैं दोस्तों, सिंगल वेफर से हम बोल सकते हैं कि जो एक पूरा का पूरा डायमंड कटिंग लेके वेफर ले लिया जाता है सिलिकॉन का और फिर उसकी स्लाइस काट दी जाती है। वो स्लाइस काट के उसका एक सेल बना के ऐसे लगा दिया जाता है। तो जो भी जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे एक सिंगल ग्रेड के बने हुए सेल होते हैं। एक ही ग्रेड होता है सारा का सारा, ए ग्रेड होगा या बी ग्रेड होगा, जो भी होगा, पर वो होगा सिंगल ग्रेड। यानी कि आपके अलग अलग नहीं होंगे सेल, अलग अलग ग्रेड के सेल नहीं होंगे। और एक सिंगल वेफर होता है, उसको ही डायमंड शेप में काट के चारों तरफ से उसकी ही स्लाइस निकाल दी जाती है और वो स्लाइसों का एक एक सेल बनता है। और अगर जो हम हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें, तो पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर दोस्तों जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूस बनते रहते हैं। इसके अंदर मिक्सर चलता रहता है कि कोई मोनो से बच गया हमारे पास सिलिकॉन, कोई पॉली से बच गया सिलिकॉन, अलग अलग ग्रेड के सिलिकॉन बच गए हैं। तो उन सारों को एक जगह मिक्स करके और मशीन के थ्रू सेल कंटिन्यूस बनाते रहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं सारों के अंदर मिक्सचर रहता है। और ये सेल भी आपको देख सकते हो, आप कुछ सेल आपको अलग से दिखाई देंगे, कुछ ज़्यादा चमकीले होंगे, कुछ थोड़े से लाइट होंगे। तो क्योंकि ये सारे मिक्स सेल होते हैं, यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सभी जितना भी सिलिकॉन बचा हुआ होता है और जो भी सेल अप डाउन क्वालिटी के बचे होते हैं, उन सारों को मिला के ये बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस है। और अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल इसके अंदर डिफरेंस होता क्या है। वो होता है दोस्तों, इसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो जो प्रोडक्शन होती है इसकी वाटेज की, वो इसके अंदर एक्चुअल डिफरेंस होता है। यानी कि जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपको थोड़ी थोड़ी अलग मिलेगी। तो दोस्तों, अगर जो एक तो एफिशिएंसी होती है हमारी सोलर पैनल की एफिशिएंसी, तो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो 85% के आसपास रहती है। यानी कि अगर जो आपके पास 250 वाट का पैनल है तो आपको उसमें से लगभग हम मान लेते हैं दोस्तों कि आपको मिलेगा 230-225 वाट तो उसमें से मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है, तो एवरेज एफिशिएंसी होती है 85% होती है, चाहे वो पॉली हो चाहे वो मोनो पैनल हो, आपको एफिशिएंसी मिलेगी आपको बराबर ही। और एक दूसरी एफिशिएंसी होती है जिसके बारे में आप आमतौर पर सुनते रहते हो कि जो पॉली की एफिशिएंसी है वो 16% है, मोनो की एफिशिएंसी है वो 22% है। तो दोस्तों, वो मटेरियल की एफिशिएंसी है, जो मटेरियल हमने यूज़ किया। तो जो हमारा मोनो के अंदर मटेरियल है, यानी कि जो सिंगल ग्रेड का हमारा सिलिकॉन इसमें लगा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी 22% है। और जो हमारे पास पॉली के अंदर है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास है 16%। तो इसका कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, जो सन की पावर होती है, जो सनलाइट हमारी आती है, तो उसके अंदर स्पेस के अंदर 1300 वाट की एनर्जी होती है एक स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर। अगर जो हमारा जो पैनल है, अब अगर जो मान लेते हैं मोटा मोटा कि हमारा पैनल एक स्क्वायर मीटर का है, तो अगर जो पूरी की पूरी 1300 वाट की हम पावर इस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं हमारे पैनल पे, तो उसमें से ये कितना लेता है, लगभग 1 मीटर का हमारा लेता है पैनल
200 के करीब लेता है, 200 वाट के आसपास लेता है जो हमारा 1 मीटर का पैनल होता है। यानी कि जितनी भी उसकी सनलाइट की पावर रहती है 1300 वाट में से, वो सारी की सारी हमारी वेस्ट चली जाती है। तो हमारा जो पैनल है उसका जो मटेरियल है वो केवल उसमें 200 वाट निकाल पाता है, जो कि उसकी एफिशिएंसी पॉली के अंदर 60% रहती है। यानी कि पॉली के अंदर थोड़ी कम निकालेगा, 150 वाट के आसपास निकालेगा, मोनो के अंदर आपका निकालेगा वो 200 वाट के आसपास, क्योंकि जो मटेरियल है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, सन से जो एनर्जी हमारे पास आती है वोल्टेज के अंदर ही दोनों की एफिशिएंसी देखी जाती है। आपके एम्पियर कम ज़्यादा हो सकते हैं, अगर जो एम्पियर ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज कम रहेगी, अगर जो आपके वोल्टेज ज़्यादा है तो एम्पियर कम रहेंगे, तो आपको जो आउटपुट है वाटेज के अंदर वो हमेशा आपको इक्वल मिलेगा। अब हम बताएंगे कि जो दोनों का साइज़ है वो लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, दोनों के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक पैनल आपको दूसरे पैनल के ऊपर रख के भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वैसे हम आप के भी दिखा सकते हैं उसको, बट अगर जो मैं ऊपर रख के दिखाऊं तो उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। हल्का फुल्का अंतर हो सकता है, वो अंतर फ्रेम और जो फ्रेम के बीच का डिस्टेंस होता है साइड में दिया होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो ओवरऑल साइज़ है दोनों पैनल का वो सेम है। और अगर जो मैं आउटपुट की बात करूँ तो ये 260 वाट का पैनल है और ये हमारा 320 वाट का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ दोनों का। तो दोस्तों जो हमारे दोनों पैनल हैं मोनो और पॉली, हम उन दोनों पैनल को हमने एक दूसरे के ऊपर लगा दिया है, और आप देख सकते हो साइड से साइज़ जो है दोनों का बिल्कुल सेम है, क्योंकि थोड़ा सा जो पैनल है ये ऊपर की तरफ निकल चुका है और जो हमारा मोनो क्रिस्टलाइन है थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गया है। तो जो साइज़ है दोस्तों वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैंने आपको बताया वो फ्रेम का और फ्रेम के जो थोड़ा हम गैप दे देते हैं सेल्स के बीच में, उसका डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं। आप इसके सेल्स में देख सकते हो कि डिफरेंस ज़्यादा है। दोस्तों हमने जो हमारे सोलर पैनल है दोनों मोनो और पॉली 320 और 260 वाट, तो दोनों का हमने साइज़ तो कंपेयर कर लिया, साइज़ तो बिल्कुल सेम है। अब हम दोनों को साइड बाय साइड रखेंगे और मैं आपको इसका जो आउटपुट करंट है जो एक्चुअल में हमें मिलेगा आउटपुट में, हम वो चेक करेंगे, ना कि हम शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट तो मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों मल्टीमीटर के थ्रू, बट शॉर्ट सर्किट करंट हमें कभी भी नहीं मिलता है। जो एक्चुअल रेटेड करंट होता है मैं आपको रेटेड करंट दिखाऊंगा जो हमारा कंट्रोलर है उसके थ्रू, और देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। तो आइए पैनल को हम कनेक्ट करते हैं हमारे सर्किट में। तो दोस्तों जो हमारा मोनो पैनल है उसको हमने सर्किट में लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव के साथ लगा दी और नेगेटिव वायर को हमने नेगेटिव के साथ लगा दिया। 2-in-1 कनेक्टर हमारे थे तो उसके थ्रू हमने लगा दिया है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे हमारे कंट्रोलर में कि कितनी पावर इसके अंदर हमें मिल रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो अभी कि हमारे पास 9.6 एम्प का करंट हमें मिल रहा है। तो जो क्योंकि PWM है तो जो रेटेड वोल्टेज होती है वो 31 वोल्ट होती है, और 31 के साथ अगर जो हम 9.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 300 वाट के आसपास ये हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमने चेक की है मोनो की, अब हम चेक करेंगे हमारे पॉली पैनल हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ से कितना हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब हम हमारा जो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे कनेक्टर के साथ और फिर देखेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये वायरिंग है, पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ लगा दिया है और नेगेटिव को हमने नेगेटिव के साथ लगा दिया है। पैनल हमारा रेडी हो चुका है, दोनों के एंगल बिल्कुल सेम थे। तो अब ये हमारा सर्किट में आ चुका है और अब देखेंगे हम कि हमें क्या आउटपुट इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मिल रहा है 8.4 एम्प, और अगर जो हम 8.4 का 31 यानी कि जो रेटेड वोल्टेज होती है उसके साथ अगर जो मल्टीप्लाई करें तो मोटा मोटा हमें मिलेगा 250 से 260 के बीच में, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। मल्टीप्लाई करके मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगा तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। तो दोस्तों आप दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो मोनो और पॉली के अंदर आपको क्या डिफरेंस मिला है। दोस्तों बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि सेम साइज़ के अंदर जो आपकी वाटेज होती है वो मोनो के अंदर ज़्यादा मिलती है और पॉली के अंदर कम मिलती है। तो दोस्तों अब इसका फ़ायदा कहाँ पे है और नुकसान हमें कहाँ पे है इसका। तो दोस्तों जिन लोगों के पास एरिया कम है, इंस्टॉल करने के लिए एरिया कम है, जिनका रूफ़ के सरफेस कम है, यानी कि जिनके पास सरफेस एरिया कम है जहाँ पे वो अपना सोलर पैनल कम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों वो पॉली की बजाय वो मोनो क्रिस्टलाइन पैनल ले सकते हैं और मोनो क्रिस्टलाइन को इंस्टॉल करेंगे तो सेम एरिया में आपको लगभग 15-20% के आसपास आपको एक्स्ट्रा करंट उसी से मिल जाएगा सेम साइज़ के अंदर अगर जो आप पॉली लगाते हो। और दोस्तों अगर जो आपके पास एरिया अबेंडेंस में है, सफिशिएंट है एरिया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप पॉली भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो दोनों का कॉस्ट का डिफरेंस है अगर जो हम किसी भी कंपनी में देख ले तो दोनों के अंदर मोनो और पॉली के अंदर कोई भी कंपनी आप उठा लो तो लगभग 4-5 रुपये का डिफरेंस दोनों के अंदर है ही है। तो अगर जो आप 250 पॉली लेते हो और अगर जो आप
अपना 300 मोनो लेते हो तो उसमें पावर तो आपको उतना ही मिलेगा, इसमें 250 ही मिलेगा, इसके अंदर आपको 300 ही मिलेगा, बट जो आपका एरिया है वो इसमें कम हो जाएगा, यानी कि एरिया दोनों का 250 का और 320 का एरिया आपका सेम रहेगा। आउटपुट आपको उतना ही मिलेगा जितने के लिए आप पे करोगे, यानी कि अगर जो आपने 250 के लिए पे किया तो आपको 250 मिलेगा, 320 के लिए पे किया 300 मिलेगा। बस आप डिफरेंस आप अब जान चुके हो कि आपको डिफरेंस कहाँ मिलेगा, यानी कि जिन लोगों के पास एरिए की कमी है, जिनके पास सरफेस एरिया कम है, उन लोगों के लिए मोनो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी है ये भी आप काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर जो आपका कोई भी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और उसके अलावा अगर जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या उसके अलावा आपके बैटरीज होगी, सोलर बैटरी होगी, इन्वर्टर होगी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। और साथ क्या दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अब मैं भी जो हमारे पैनल है मोनो पोली अलग अलग कंपनी के अंदर, UTL के अंदर, रूम के अंदर, इंटर सोलर के अंदर, इनके अंदर हम डील करने लग चुके हैं अब। तो अगर जो आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्वर्टर चाहिए, आपको पैनल की रिक्वायरमेंट है या आपको बैटरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना नंबर कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट होके आप बाय कर सकते हो। और जो मेरे मित्र हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ऐसे चंडीगढ़ के आसपास के एरिया से है और जो अपने घर पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस भी हमने देनी स्टार्ट कर दी है, हम इंस्टॉल कर देंगे और जो हमारे जो रेट है वो भी आपको बिल्कुल जो डीलर प्राइस होता है उसी पे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।